दोस्तों आइए अब मैं बिला तमहीद ये उस शायर को आवाज दे दूं कि ये हसनपुर की मोहब्बत वाली सरजमीन ने जिसके ख्यालात के कदम का बोसा दिया है उस शख्सियत का नाम है जनाबे शम्स तबरेज। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा लहजा और बहुत अच्छे वो लगते भी हैं और बहुत अच्छा वो पढ़ते भी हैं। अब देखना ये है कि वो कितनी देर तक आपकी समातों की दहलीज पर कामयाबी का चिराग रोशन कर रहे हैं। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शम्स खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। आइए मुशायरे का फलसफा जनाबे शम्स तबरेज के नाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अकमल अदीब साहब का जो बहुत ही अच्छे अंदाज में निजामत कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साकिब जिया साहब का, इमरोज भाई का, मुमताज भाई का, आफताब भाई का, तमाम तर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं और बेगूसराय के जितने भी लोग हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गांव में मुझे उतना लोग नहीं पहचानते जितना यहाँ के लोग पहचानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया जाए, एक सुनने और सुनाने का माहौल पहले बनाया जाए, उसके बाद दिलशाद जख्मी साहब हमारे बीच हैं, प्रवेश कौशल साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनको आप सुनेंगे बहुत मजा आएगा आपको। फलक सुल्तानपुरी, चांदनी शबनम, सबको आप सुनेंगे, लेकिन इनको सुनने के लिए सबसे पहले माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा, माहौल को बनाना पड़ेगा। मैं बिना किसी तमीज और ताखीर के एक मतलब से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। माइक की आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा बेस को बढ़ाइए और इको थोड़ा सा करिए, इको आपका बहुत कम है। हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए मैं गजल पेश करता हूँ। चंद अल्फाज से, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। क्या बात है, अच्छा है, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा, प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। मेरा गला जो है वो डीजल इंजन है, गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप लोग तालियों का साथ देंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छे अच्छे शेर में आपको सुनाऊंगा, ये भी शेर पेश करता हूँ, सुने। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा, प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा। और ये विशेष सुनिए, बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले, शेर सुनिए, बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले, बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले, खुश तो होगा कोई कोई जल जाएगा, खुश तो होगा कोई कोई जल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। ये शेर मैं नौजवानों के लिए पेश करता हूँ। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा,
यूं लगेगा कि सदियों से देखा नहीं। क्या बात है, वाह, अच्छा है भाई, सिर्फ यूं लगेगा कि सदियों से देखा नहीं, यूं लगेगा कि सदियों से देखा नहीं। अकमल भाई, दूर आंखों से जब एक पल जाएगा, दूर आंखों से जब एक पल जाएगा। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि ये गजल हिंदुस्तान के बहुत बड़े गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्होंने ये गजल मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, उसने इस गजल को गाया है। बहुत जल्द जो है ये गजल जो है मेरी वो YouTube पर आएगी, वो रिलीज होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बहर एक और शेर में पेश करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे शायर बैठे हुए हैं, उनको आप सुनेंगे। अगर आपका मिजाज होगा तो मैं आपके बीच पुनः दूसरे राउंड में आऊंगा, एक शेर में पेश करता हूँ। चांद बदली में छिपता हुआ देख कर, चांद बदली में छुपता हुआ देख कर, चांद बदली में छिपता हुआ देख कर, चांद बदली में छिपता हुआ देख कर, चांद बदली में छिपता हुआ देख कर, उनके जुल्फों को काली घटा दिया। देखिए ये थे जनाबे शम्स तबरेज साहब। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का जो है ऐलान इतने बड़े मजमे में इतनी आजादी के साथ कर रहे थे, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तन्हाई का क्या अलग होगा। इसी माहौल को देखकर ये कहना पड़ रहा है कि वहशते दिल रसरों दार से रोकी न गई, वहशते दिल रसरों दार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। दोस्तों देखिए माइक ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आवाज नहीं निकलती। इससे पहले मैं आया था तो बोलने से पहले आवाज निकल जाती थी माइक की।